हाय एवरीवन, हाउ आर यू। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो पर ट्यूटोरियल आउटलाइन ट्यूटोरियल पर काफ़ी डिटेल से इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। गाइस, आज के वीडियो पर हम बात करेंगे ओनली शेडिंग और ब्लेंडिंग से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। यदि आप लोग बिगनर हैं एंड आप लोगों को इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उससे पहले गाइस, मैं आपको बता दूं, यदि आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आउटलाइन का ट्यूटोरियल काफ़ी डिटेल से बताया था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दी हुई है, जाकर के ज़रूर देखें। बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से मैंने उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया था जो कि आउटलाइन से रिलेटेड थी। यदि आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम है तो जा करके ज़रूर देखें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे शेडिंग और ब्लेंडिंग से रिलेटेड। गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, गाइस हम कम्प्लीटली शेडिंग ग्रेफाइट से करने वाले हैं, ओनली हेयर्स को छोड़ करके हम सभी कुछ इसमें ग्रेफाइट से ही ड्रॉ करेंगे। ग्रेफाइट्स पेंसिल्स में यूज़ कर रहा हूँ, अप्सरा ब्रांड की, जो कि नॉर्मल पेंसिल्स हैं, कहीं पर भी मिल जाती हैं, बहुत ही चीप हैं, और ऐसा नहीं कह सकते आप लोग। अप्सरा और कैमलिन दोनों के ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। कुछ जगह पर मैं गाइस आउटलाइन की पेंसिल भी यूज़ करूँगा, तो जो कि कहीं भी मिल जाती हैं और एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, मैं ब्लेंडिंग स्टम्प को भी यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइस, कुछ जगह पर मैं कॉटन्स को भी यूज़ करूँगा, थोड़ा बहुत ब्रश यूज़ करूँगा जो कि हेयर्स में होंगे। एंड गाइस, अब फर्स्ट ऑफ हमें क्या याद रखना है, गाइस हमें शेडिंग को डेप्थ और लाइट की शेडिंग को देखते हुए ही अच्छा ऑब्जर्वेशन पावर आपका होना चाहिए। आप कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं फोटोग्राफ को, आपकी जो रेफरेंस फोटोग्राफ है आप उसको कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग शेडिंग करेंगे। गाइस, आप मोस्टली बातों का याद रखें कि डेप्थ कहाँ पर है और लाइट कहाँ पर है, उसी के अकॉर्डिंग कौन सी पेंसिल्स वहाँ पर यूज़ करनी चाहिए। गाइस, मैं मोस्टली आपको बता दूँ, ये पूरी की पूरी ड्राइंग मेरी 4B से लेकर के 6B पेंसिल तक ही ख़त्म हो गई थी। हाँ, कहीं पर भी मुझे 10B 8B पेंसिल का यूज़ नहीं करना पड़ा, आई को छोड़ करके। ओनली गाइस, जो ये आई है, आई में मैंने गाइस 8B और 10B पेंसिल का यूज़ किया है। एंड गाइस, यहाँ अभी मैं जहाँ शेडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 4B पेंसिल से ही शेडिंग करके अब मैं मर्ज कर रहा हूँ। और गाइस, एक ही बार में हमें कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं करना है, जैसे हमने मर्ज कर दिया, अब हम फिर से शेडिंग करेंगे जो डार्क एरियाज उनको ऑप्ट करने के लिए, एंड फिर से मर्ज करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ही हमें करना है। एंड गाइस, फिर से देखिए गाइस, मैं फिर से शेड कर रहा हूँ जो डार्क एरियाज हैं, एंड उनको फिर से अगेंस्ट मर्ज कर रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप ही करें। पहले हम शेडिंग कर दें, मिला दें, फिर यदि और डार्क है तो हम उसको मिला सकते हैं, फिर से पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं, डार्क पेंसिल्स को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से करते रहिए। एंड गाइस, मोस्टली बात ध्यान रखिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना है, आप फोटो को कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को ध्यान रखिए, और अपनी फोटो को पहले से जज मत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग क्या करते हैं, फेस यदि मैचिंग होता है तो पहले से जज करने लगते हैं एंड बस ड्रॉ करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा कम्प्लीटली ड्रॉ करें, कम्प्लीटली ड्रॉ होने के बाद ही उसको जज करें। एंड गाइस, ये हमने फ्री हैंड ड्रॉ की थी पूरी की पूरी आउटलाइन, तो हो सकता है आउटलाइन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई हो, बट हम सेटिंग पर पूरा का पूरा फोकस करेंगे। ये देखिए गाइस, हमने जो इसका मस्तिष्क है, मतलब उस पर कितनी तगड़ी सेटिंग की, एकदम 3D लुक आ रहा है, काफ़ी रियलिस्टिक टाइप की लग रही है। एंड गाइस, ये एकदम रियलिस्टिक ही सेटिंग है, क्योंकि हम आर्टिस्टिक सेटिंग इसमें नहीं कर रहे हैं। एंड गाइस, यहाँ पर मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं आर्ट लाइन की 10B पेंसिल है, एंड फिर उसको मर्ज कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प से। गाइस, पेशेंस रखिए, पेशेंस थोड़ा सा ज़रूरी होता है, यदि आप लोग पेशेंस रखेंगे तो ये आपके लिए ही बेटर रहेगा। और एक लगातार, मतलब कंटिन्यू मत ड्रॉ कीजिए, थोड़ा सा गैप ले करके अच्छे से ड्रॉ कीजिए, माइंड फ्रेश करके ड्रॉ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कॉमेंट करके बता दीजिए, होपफुली मैं आपको उस पर काफ़ी अच्छे से अलग से ट्यूटोरियल बना पाऊँगा। तो आप लोगों को कोई भी आउटलाइन से रिलेटेड या सेटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। एंड गाइस, मैं अब जहाँ जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डार्क पार्ट्स होते हैं ना, मतलब मैंने एक लाइटली पूरे में सेटिंग कर दी, अब जो कुछ हाईली डार्क पार्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, मैं उन पार्ट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं उन पार्ट्स को ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे कीजिए, पहले नॉर्मल सेटिंग कर दीजिए, फिर जो जो भी डार्क पार्ट हो उनको अच्छे से ऑप्ट कीजिए। एंड गाइस, मैं इरेजर से भी जो जो हाईलाइटिंग पार्ट्स हैं, जो मोस्ट हाईलाइटिंग हैं, उनको भी मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड गाइस, अभी हमारे हेयर्स रह गए हैं, हेयर्स अभी हमें ड्रॉ करना है।
एंड गाइस जब ब्लेंडिंग करें तो काफ़ी लाइट वेट हाथों से ब्लेंड करें, ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रेशर ज़्यादा दें, क्योंकि तो जितना प्रेशर देंगे उतना चित्र आपका मतलब भद्दा सा होता जाएगा। एंड एक बार में ही ब्लेंडिंग बिल्कुल भी मत कीजिए, पहले एक बार शेडिंग कीजिए, फिर ब्लेंडिंग कीजिए, फिर जहाँ डार्क पार्ट है वहाँ पर अगेन शेडिंग कीजिए एंड ब्लेंडिंग मर्ज कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोस्टली गाइस हमारी शेडिंग और ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई, देखिए काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लुक आ रहा है आप लोग, जो कि काफ़ी अच्छे से मर्ज हुई है सब चीज़ें। मैं कार्टेज सीट यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी तगड़ी तरीके से मर्ज हुई है। अब हम हेयर को ड्रॉ करते हैं। हेयर के लिए गाइस मैं नॉर्मल चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ एंड हेयर्स के स्ट्रोक के अकॉर्डिंग, जैसे रेफरेंस फोटोग्राफ में हेयर्स में स्ट्रोक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी ड्राइंग में स्ट्रोक लगा रहा हूँ। फर्स्ट गाइस हमें यही करना है, हेयर बहुत ईजी होते हैं गाइस, सबसे ज़्यादा ईजी पार्ट मुझे हेयर ही लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों लगता है। एंड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ गाइस आपको क्या करना है, जितने भी हेयर्स के अकॉर्डिंग जैसे भी स्ट्रोक लगे हुए हैं उन्हें उसी के हिसाब से लगा लीजिए। जहाँ पर डार्क पार्ट है वहाँ पर डार्क कर दीजिए, जहाँ पर लाइट है वहाँ पर लाइट कर दीजिए। डार्क के लिए आप सॉफ्ट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, चारकोल की लाइट के लिए आप मीडियम और हार्ड पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, मैं तो अभी सॉफ्ट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। एंड फिर क्या करना है गाइस, मेरे पास चारकोल भी है, मैं और ज़्यादा डार्क के लिए मैं वहाँ पर चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। तो स्ट्रोक के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रोक लगा देना है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। और हाँ, धीरे धीरे लगाइए, पेशेंस के साथ लगाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस। जैसे हमारी स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं डार्क और हाईलाइट पार्ट, वहाँ से फिर गाइस हम ये एक ब्रश, नॉर्मल ब्रश यूज़ करेंगे एंड ब्रश से उसको अच्छे से मर्ज कर देंगे। ब्रश से मर्ज करने के बाद गाइस आपके पास जो भी इरेजर हो उसको ब्लेड से कट कर दीजिए, आपके पास जो भी इरेजर हो आप उसको ब्लेड से कट कर दीजिए। और ब्लेड से कट करने के बाद जहाँ जहाँ पर भी हाईलाइटिंग पार्ट होते हैं ना उन, देखिए ये गाइस मैं इरेजर यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो जितने भी आपके हाईलाइटिंग पार्ट हैं उनको आप ऐसे निकाल सकते हैं ब्लेड से कट करने के बाद। यदि आपके पास मेरे जैसे इरेजर है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। देखिए गाइस हमारे हेयर काफ़ी रियलिस्टिक लुक दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। एक नॉर्मल में एक बिगनर्स के लिए ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, यदि आप लोग बिगनर हैं तो मतलब आपके लिए तो ना इनफ है, यदि आप ऐसा ड्रॉ कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको उसी को मतलब मेजर पॉइंट करते हुए बता रहा हूँ कि यदि आप लोग बिगनर हैं तो आप यदि इतना ड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड गाइस अब हम टी शर्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो टी शर्ट में मैं नॉर्मल टेक्सचर ला रहा हूँ, उसको रियलिस्टिक बिल्कुल भी ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करूँगा, एकदम नॉर्मल टेक्सचर लाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। देखो गाइस मेन चीज़ होती है अपना फेस, यदि फेस मैच होता है तो देन सब कुछ मैच होने लगता है, उसमें ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फेस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, फेस हेयर नोज इन सब पर फोकस करना है, क्योंकि इससे हमारा चेहरा जो है मैच करता है रेफरेंस फोटो से। यदि यही चीज़ अच्छी नहीं बनेगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एंड टी शर्ट वी शर्ट तो ऐसा है मतलब बात की बात होती है, यदि हमारे पास टाइम बचता है मन लगता है तो हम इसको भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, बट मुझे अभी उतना डिटेल्स आपको नहीं बताना है, मुझे सिर्फ इतना ही बताना है। तो प्लीज़ यदि आप लोगों के कोई और डाउट्स हो, कोई और प्रॉब्लम्स हो अबाउट स्केचिंग अबाउट आउटलाइन तो प्लीज़ सर नीचे कॉमेंट करते हुए बताइए, ज़रूर बताइए। एंड हमारी ड्राॅइंग काफ़ी हद तक कम्प्लीट होने को है, तो गाइस फाइनली हमारी ड्राॅइंग कम्प्लीट हो गई है। होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ सर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पर इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, तो जाकर के इंस्टाग्राम को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मैं अवधेश मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू।